हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये देखो। क्या लगता है आखिर इस कांच के पार रखे बलून को इस मंक ने कैसे सुई से फोड़ा? यही नहीं, पानी पर भागने की इस निंजा टेक्निक और इस हैंडस्टैंड या फिर मैं कहूं कि इस फिंगर स्टैंड का कोई जवाब है आपके पास? वेल, मेरे पास है और ये जवाब है कुंग फू, जिसका इन्वेंशन बोधि धर्मा ने यानी भारत के एक मंक ने किया था और जिसकी सालों सालों तक होने वाली प्रैक्टिस से ये कुंग फू मंक एक सुई से कांच में होल कर देने से लेकर अपने बॉडी और माइंड को इस तरह से ट्रेन कर पाते हैं कि पानी पर चलना और उंगली पर अपनी बॉडी को उठाना इनके लिए इतना आसान हो जाता है जैसे कोई बच्चों का खेल हो। पर क्या होगा जब कुंग फू का सामना पत्थरों को थर्मोकोल की तरह अपने हाथ पैर यहाँ तक कि सर से फोड़ देने वाले कराटे वालों से होगा? तो Well, अपने भेजे में चल रही हलचल को दो थोड़ा विराम, क्योंकि यही आज हमारे इस वीडियो में होगा कुंग फू वर्सेस कराटे का महासंग्राम और आपको मिलेगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यहाँ सिर्फ जीत की बाजी नहीं, इनकी टेक्निक से लेकर ट्रेनिंग सब पर होगी चर्चा हमारे आज के इस वीडियो में जिसका टाइटल है कुंग फू वर्सेस कराटे। तो इनकी लड़ाई और विनर की अनाउंसमेंट करने से पहले कुछ बातें कुंग फू और कराटे के बारे में जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कुंग फू। तो 495 एडी में चाइना के हिनान प्रोविंस के सोंग माउंटेन्स में शाओलिन टेंपल बनाया गया था, जिसमें 527 एडी में जब इंडिया के बोधि धर्मा बौद्ध धर्म का प्रचार करने पहुंचे थे तो उन्होंने शाओलिन के मंक्स की कमजोर हालत देखी। ऐसे में बोधि धर्मा ने उनकी इस शारीरिक तकलीफ को खत्म करने के लिए ऐसे फिजिकल मूवमेंट और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बनाया जिससे मंक्स के शरीर के साथ साथ दिमाग दोनों मजबूत हो सके और वो आध्यात्मिकता के राह पर दुगने जोश से बढ़े। आज इन्हीं एक्सरसाइजेस को हम कुंग फू के नाम से जानते हैं। चाइना से इस एक्सरसाइज को मिले कुंग फू नाम का मतलब किसी भी चीज को पढ़ना, उसे सीखना या उसकी प्रैक्टिस करना होता है, जिसे पूरा करने में बहुत सारे शांति, शक्ति और समय की जरूरत होती है। लेकिन कुंग फू किसी एक अकेली कला का नाम नहीं है। कुंग फू के अंदर तकरीबन 400 जितने अलग अलग कुंग फू कलाएं आती हैं, जिनमें से शाओलिन कुंग फू, ताइची और विंग चुन ये नाम बहुत ज्यादा फेमस है। अब फ्रेंड्स, अगर दूसरी तरफ हम कराटे की बात करें तो कराटे एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है जिसे आप मॉडर्न भी कह सकते हो, क्योंकि कराटे पिछले 200 सालों से ही प्रैक्टिस किया जा रहा है और ये जापान के ओकिनावा से शुरू हुआ था। पर जापान इससे पहले अपने सामुराई वॉरियर्स के लिए जाना जाता था और सामुराई वॉरियर्स जितने अपने स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं उतने ही फेमस इन सामुराई वॉरियर्स का हैवी मेटल ड्रेस था जिसके हेलमेट को कुछ इस तरह बनाया गया था, ना सिर्फ कि वो सामुराई को हमले से बचा सके पर उसे देखकर सामने वाला डर के अपने कपड़े गीले कर दे। पर इन हेलमेट्स को संभालना बहुत ही मुश्किल होता था और इसीलिए सामुराई वॉरियर्स ने चौन मागे हेयर स्टाइल टैक्टिक्स को अपनाया था जो इनके हेलमेट को जगह पर संभाल के इनकी जान बचाती थी। और आज भले ही बालों को जान बचाने के लिए इस्तेमाल ना किया जा रहा हो पर आज मर्दों की शान बचाने के लिए इन बालों का इस्तेमाल जरूर होता है। लेकिन केमिकल्स और पॉल्यूशन के चलते दुनिया भर में लोग समय से पहले गंजे हो रहे हैं, पर आपको गंजेपन की इस गंभीर समस्या से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैन मैटर्स इंडिया का सबसे पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक लेकर आया है आपके लिए मैन मैटर्स डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू। ये कैसा 2-in-1 शैम्पू है जो ना सिर्फ हेयर फॉल के होने को रोकता है पर ये बालों के फॉलिकल्स यानी कि जड़ों को मजबूत भी करता है। अब इसे होता यह है कि मेन के हेयर फॉल का एक बड़ा रीजन डीएचटी यानी हमारा मेल सेक्स हार्मोन, जिसे साइंटिफिकली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, उसके हेयर फॉल पर एक्शन को ब्लॉक करता है और डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू आपके स्कैल्प को क्लीन करके उसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट से ट्रीट करता है। और इस शैम्पू को हर आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर भले ही वो हेयर लॉस से बचना चाहे या अपने बालों को सुंदर और शाइनी बनाना चाहे। बट इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। अगर आप डैंड्रफ या खुजलाते हुए बाल से परेशान हो तो मैन मैटर्स के पास आपके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिसमें कीटोकोनाजोल है जो एंटी फंगल एजेंट से लड़ने के लिए बेस्ट होता है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। सो प्रॉब्लम हो हेयर फॉल या फिर डैंड्रफ की, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मैन मैटर्स के लिंक से इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। बाय द वे, मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही सेल नहीं करती बल्कि आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं कॉमन मेन प्रॉब्लम्स जैसे कि हेयर लॉस, एक्ने, वेट लॉस या इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर। सो फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो एंड यू कैन परचेस देयर प्रोडक्ट एज वेल। लेकिन इसे जापानियों ने डेवलप किया है, इसे इन्वेंट नहीं किया। नहीं समझे?
Well, मेरा मतलब यह है कि चाइना और जापान के बीच ट्रेड के चलते जब चाइना के लोग काम और कमाई की तलाश में ओकिनावा में बसे थे, तब इन लोगों ने जापानीज लोगों को अपना कुंग फू सिखाया था, लेकिन अपने घमंड और लालच के चलते उन्होंने जापानीज को कुछ साधारण से कुंग फू मूव्स ही सिखाए थे, पर जापानीज के लिए ये भी काफी था। तभी तो उन्होंने चाइनीज मूव्स को कराटे नाम ही नहीं दिया, पर इसे प्रैक्टिस करते करते इतना डेवलप कर दिया कि आज दुनिया में कराटे कुंग फू से ज्यादा जाने जाने वाला मार्शल आर्ट बन चुका है, और तो और इसे ओलंपिक्स तक में खेला जाता है। और अगर हम बात करें कराटे के नाम की, तो इसका मतलब एम्प्टी हैंड होता है। तो अब जब हम लोग कुंग फू और कराटे की हिस्ट्री से वाकिफ हो चुके हैं, तो चलिए बढ़ते हैं कुंग फू और कराटे के फिजिकल इफेक्ट पर, जिसमें समझाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इन दोनों ही आर्ट फॉर्म्स की टेक्निक्स को, और इसी के साथ ही हम हर एक पॉइंट पर कुंग फू और कराटे को पॉइंट्स देते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि इन पॉइंट्स के कैलकुलेशन से हमें हमारा विनर मिल सके। तो अगर हम कुंग फू की बात करते हैं, तो इसमें होते हैं सर्कुलर मूवमेंट्स, जो बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं, जिसमें कई तरह के एनिमल अटैक्स को भी मिमिक किया जाता है, जैसे कि स्नेक कुंग फू, टाइगर कुंग फू, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुंग फू एक डिफेंसिव आर्ट है, और इसीलिए कुंग फू को कई बार सॉफ्ट स्टाइल मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, और कुंग फू में बॉडी के साथ साथ वेपन्स को भी यूज किया जाता है, जैसे कि स्पीयर या स्वॉर्ड एटसेट्रा। वहीं अगर मैं आपको कराटे के बारे में बताऊं, तो इसमें लीनियर मूवमेंट्स होते हैं, और कराटे करने वाले इंसान सिर्फ अपने ओपोनेंट पर अटैक करने पर ही फोकस करते हैं, जिसकी वजह से कराटे को ऑफेंसिव आर्ट कहते हैं। इसके साथ ही कराटे में भी कुंग फू की तरह कई अलग अलग तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नंचाकू और बो। तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्निक के मामले में हम दोनों को एक एक पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लियर विनर नहीं है। पर अगली बाजी कौन मारेगा, ये जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा अगला पॉइंट है ट्रेनिंग का, क्योंकि बिना सही प्रैक्टिस के ना तो आप कुंग फू कर पाओगे ना ही कराटे। तो कुंग फू की ट्रेनिंग तीन तरह से होती है। फर्स्ट ही गुन कुंग, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस जो टेंडन्स, यानी वो मसल्स जो हमारे जॉइंट्स को इलास्टिसिटी देते हैं, उस पर वर्क करके फिजिकल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया जाता है। सेकेंड है साई चोई कुंग, यानी आपके बॉडी और माइंड को क्लीन करने वाले एक्सरसाइजेस। और थर्ड है सेमी कुंग, यानी जिसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस आती है। इसमें प्रैक्टिशनर से स्टेशनरी और मूविंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे वो अपने बॉडी के अंदर के ची यानी कि एनर्जी के मूवमेंट को सेंस, इम्प्रूव और फिर कंट्रोल कर सके। कुंग फू में की जाने वाली ट्रेनिंग बेसिक, जैसे कि स्ट्रेचिंग, स्क्वाट्स और स्प्लिट से शुरू होती है, और फिर वक्त के साथ इन बेसिक एक्सरसाइजेस को बदलने की बजाय इन्हें और डिफिकल्ट कर दिया जाता है। और ये प्रैक्टिस कितनी हार्ड होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कुंग फू करने वाले अपने स्कल्स को मजबूत कराने के लिए अपने सिर को एक दूसरे के सिरों से टक्कर देते हैं। पाम की स्ट्रेंथ के लिए वो पानी से भरे घड़ों को हाथों से तोड़ते हैं, और उंगलियों की मजबूती के लिए वो पेड़ की छाल तक में होल कर देते हैं। पर ऑब्वियसली ये सब वो एक दिन में नहीं करते, इस एक एक मूव के पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है, और यही वजह है कि शाओलिन टेंपल में 3 साल से बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, जहां सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे सोने तक इनके हर मिनट का टाइम टेबल पहले से ही बना होता है। सिमिलरली कराटे में भी 3 तरह की ट्रेनिंग होती है, जिसमें फर्स्ट है किहों, जो बेसिक और फंडामेंटल्स होते हैं, यानी जिसमें करेक्ट बॉडी फॉर्म से ब्रीदिंग और बेसिक स्टैंसेस, जिसकी पंचेस और ब्लॉक्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सेकेंड होता है कटा, जो फॉर्म्स की ट्रेनिंग है, इसमें कराटे मूवमेंट को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के वेज को मेमोराइज किया जाता है। और थर्ड है कुमिटे, जो स्पेयरिंग ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर प्रैक्टिशनर किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट प्रैक्टिस करता है, जिसमें कई तरह तरह की प्रैक्टिसेस शामिल होती है। और कराटे में सबसे पहले कंट्रोल और एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है, फिर स्पीड और लास्टली पावर पर, क्योंकि ये एक ऑफेंसिव आर्ट है, इससे इंजुरीज के चांसेस होते हैं। साथ ही आपको कुंग फू की तरह कराटे के लिए भी रूटीन चाहिए होता है, और हालांकि इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और जहां कुंग फू के आर्ट को सिखाने के लिए कई दशक लग जाते हैं और फिर भी लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते, वहीं पर कराटे के व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने में हर स्टेज को पार करते हुए आप इसमें कड़ी मेहनत करके कुछ सालों में एक्सपर्ट बन सकते हो। और इसीलिए ट्रेनिंग के बेसिस पर अगर जज करें, तो इसका स्कोर जाएगा कराटे को, कुंग फू 1 कराटे 2। पर स्कोरबोर्ड देखने वालों, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि कुंग फू और कराटे का लोगों पर मेंटली इफेक्ट क्या होता है, जिसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि इन दोनों में लोगों को कौन कौन से वैल्यूज और डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं। अब कुंग फू हो या कराटे, इन दोनों में ही आपको सेल्फ डेवलपमेंट यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फिजिकल एक्टिविटी, ग्रुप एक्सपीरियंस, रिलैक्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, असर्टिवनेस, डायरेक्टिवनेस और आपके ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बूस्ट मिलता है। साथ ही पेन टॉलरेंस,
परसिवरेंस, फियरलेसनेस, आपके वर्च्यू एंड लीडरशिप सबको प्रमोट किया जाता है। इतने सबके साथ मार्शल आर्ट के ये दोनों फॉर्म्स लोगों को फाइट करने पर नहीं, फाइट ना करने की सीख देता है। और कुंग फू सीखने वाले लोगों को तो ये कसम भी दिलाई जाती है कि वो कुंग फू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे। यानी इस बार भी स्कोर के मामले में दोनों को मिलेगा 1-1 पॉइंट्स, और इससे कुंग फू 2 और कराटे 3 स्कोर पर पहुंच चुके हैं। पर अगर हम इन दोनों को टेम्परमेंट के बेसिस पर जज करें तो क्या होगा मेरे भाई, चलिए ये भी देखते हैं। अब कुंग फू में इस्तेमाल होने वाली ब्रीदिंग टेक्निक्स मंक्स को पावर ही नहीं देती, उनके बॉडी को काम भी रखती है। और कई रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि मार्शल आर्ट जैसे कुंग फू लोगों को उनके गुस्से से लड़ने में मदद करता है। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, मार्शल आर्ट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सबसे लड़ता है। आज 43% इंडियंस किसी ना किसी प्रकार के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और कोविड के चलते 74% लोग स्ट्रेस और 88% एंग्जाइटी से भी लड़ रहे हैं। तो अगर ये एक्सरसाइजेस हमारी लाइफ की पार्ट बनती है तो कई हद तक ये मेंटल प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसके अलावा कराटे एक एग्रेसिव फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट होने से लोग ये मानते हैं कि एग्रेसिवनेस को प्रमोट करता है, लेकिन स्टडीज तो कुछ और ही कहती है। पर हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सारी स्टडीज सिर्फ कराटे पर ही नहीं बल्कि सारे मार्शल आर्ट पर की गई है। यानी कराटे का लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव, ये एक्यूरेटली कह पाना मुश्किल होगा। और इसीलिए इस बार स्कोर कुंग फू को दिया जाएगा क्योंकि इसके पॉजिटिव इफेक्ट हमारे सामने है। तो स्कोर बोर्ड पर ऐड हो जाएंगे कुछ और नंबर्स, और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, कुंग फू 3 कराटे 3। ओहो, ये स्कोर बोर्ड तो आ गया बराबरी पर। तो क्या लगता है, करवा ही डाले इन दोनों फॉर्म के मास्टर्स की लड़ाई, जिससे हो सके हारने जीतने वाले की सुनवाई। अब आप और मैं ये कैसे करेंगे? Well, इसके लिए हमारे पास है एग्जाम्पल्स जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो करिए मैच शुरू। और वाह, मैच शुरू होते ही कुंग फू मास्टर ने कराटे मास्टर की किक को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें जमीन पर दे पटका। वाह, और ये क्या, अब कराटे मास्टर पर किक की बारिश, और फिर कराटे के इस फाइनल मूव को नाकाम करके ये फाइट कुंग फू मास्टर ने जीत ली है। वेल, दैट्स नाइस। पर अगली फाइट भी देख लेते हैं। अब ये वाली फाइट देखो, फाइट में कराटे के मूव्स को पहचान कर उनसे बचने से लेकर कराटे मास्टर के मूव्स को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना कुंग फू मास्टर्स को बखूबी आता है, जिसका एक बड़ा रीजन यही है कि कराटे की तरह एग्रेशन में नहीं, काम यानी कि शांत दिमाग से अपने ओपोनेंट के मूव्स को देखकर, समझकर उनके हमले से पहले ही उनके अगले मूव को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। यही नहीं, ये किक कुंग फू मास्टर ने थोड़ी और तेज मारी होती ना तो कराटे मास्टर का जबड़ा अलग जाकर गिरता और ये लगा धोबी पछाड़, और कुंग फू मास्टर ने वापस से जीत लिया। याने भाई लोग, बात पानी की तरह साफ है, अगर कुंग फू और कराटे की लड़ाई है तो कुंग फू के जीतने के चांसेस कराटे से ज्यादा है, और इसीलिए फाइनल पॉइंट का स्कोर जाता है कुंग फू को। तो स्कोर है कुंग फू 4 और कराटे 3। याने हमारे आज के कुंग फू वर्सेस कराटे का विजेता विनर विनर चिकन डिनर कुंग फू को जाता है। अब फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपको दोनों में से कौन सा आर्ट ज्यादा पसंद आया। पर्सनली हार जीत को साइड में रखो, ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। उस पर कुंग फू पंच मारो या कराटे चॉप मारो, बेल नोटिफिकेशन ऑन हो जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।